गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जा रहे हैं हम फिर से अपनी संडे राइड पर गुड़गांव साइड। और कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इतना ही है कि गुड़गांव साइड जा रहे हैं, फरीदाबाद साइड। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ विवेक को मिलने एज यूजुअल। सो विवेक मिलेगा मुझे द्वारका में। आज है संडे, कल से अपना स्टार्ट जाएगा ऑफिस, तो कर लेते हैं संडे राइड। सो गाइस, विवेक बस मुझे यहीं मिलने वाला है। सो आई एम जस्ट रीच्ड, तो दिस इज द्वारका सेक्टर 7। और इसमें पेट्रोल भी नहीं है अभी, मतलब आराम से भी 100 किलोमीटर चल जाएगी। बट एनी वेज पेट्रोल तो भराना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि तो रिस्क नहीं ले सकते। तो विवेक मुझे यहीं कहीं मिलेगा, आया नहीं अभी तक ये। मैं भी आगे आए, मैंने क्वींस वैली बोला था। सो दिस इज़ क्वींस वैली स्कूल सेक्टर 7 में, तो उसको मैंने यहीं बुलाया। तो लेट होगा मेरे ख्याल से, मैं भी ये देखिए सुबह सुबह लोग वॉक पे जा रहे हैं, तो हम भी डेली वॉक पे जाते हैं। तो ओ गाइस, ये रहा, तो ये रहा विवेक। सो विवेक इज ऑलरेडी हेयर, सो आई थॉट ही इज नॉट हेयर। हाय ब्रो, व्हाट्सअप, क्या हाल है? बढ़िया। तो गाइस विवेक भी मिल चुका है, बस थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमारा एक दोस्त जो है फरीदाबाद मिलेगा हमें, फिर वहीं से कहीं जाएंगे। तो सी यू देयर देन। सो गाइस निकल चुके हैं हम, और अभी हमें जाना है फरीदाबाद। सो बिकॉज हमारा एक दोस्त है वहीं वेट कर रहा है, और वहीं से हम जाएंगे एक और जगह जो आज की हमारी लोकेशन है संडे राइड के लिए। एंड विवेक इज़ फॉलोइंग मी, मैप मैंने लगा दिया है, 1 घंटा दिखा रहा है यहाँ से पहले जहाँ हमें दोस्त को मिलना है। और हम दोनों भी कनेक्टेड हैं ब्लूटूथ से, तो आराम से बात कर सकते हैं। एंड दिस इज पैसिफिक मॉल द्वारका सेक्टर 21 का, इसका नाम ही D21 पैसिफिक मॉल है। सो गाइस दिस इज़ गुड़गांव का एरिया, दिस इज़ फरीदाबाद गुड़गांव रोड है। देख सकते हैं बिल्कुल कितनी हरियाली है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा लग रही बॉडी को, सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी पीछे आ रहे थे तो बहुत गर्मी थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस रोड पर, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है चलाने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो गुड़गांव में ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इतनी हरियाली देखने को मिलेगी, और थोड़ा थोड़ा देखिए बिल्कुल पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो अब जाके यहाँ मिला है पेट्रोल, सब पेट्रोल भी भरा दिया है। और ये देखिए राइडर्स, देखिए हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की। सो वी हैव मेट आवर फ्रेंड, क्या है ब्रो? तो अभी हम हैं फरीदाबाद में, और देखा होगा अपने, वी हैव मेट आवर फ्रेंड सूरज। अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, जो कि आज हमारी संडे राइड की डेस्टिनेशन होने वाली है। तो यहाँ जाए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 12 किलोमीटर्स। सो टाइम दिखा रहा है 26 मिनट्स। तो चलिए चलते हैं वहाँ और दिखाते हैं आपको रास्ता। कभी कभार तो गूगल मैप पे भी भरोसा नहीं होता है, पता नहीं कौन कौन से रास्ते दिखा रहा है अंदर से होते हुए। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे पास गूगल मैप ही एक रास्ता है जिसके थ्रू हम अपनी जगह पहुंच सकते हैं। सो गाइस दिस इज द रूट, थोड़ा गांव के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, और सामने पहाड़ देख सकते हैं। कहाँ से रास्ता है, आगे से? बाय। यहाँ से लेफ्ट है राइट है?
चलो चलो चलो। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ये भैया से पूछना आगे। सीधा सीधा सीधा। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, रास्ता देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल नैरो रोड है। नीचे 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 ऊपर से चलो। थोड़ा एडवेंचरस रास्ता है भाई, तो स्कूटी लेके जा रहा है भाई। यही से रास्ता है क्या? रास्ता है रास्ता। गए रास्ता यहीं से है, यहीं से जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, रास्ता देखिए आप कैसा है, अजीब सा, बहुत पतला सा रास्ता है। ओह माय गॉड, कितने राइडर्स आ रखे हैं। आ जा। यार देखिए ना, देखिए ये देखिए, यहाँ आए हम, जगह का नाम है पानीकोट। तो इतनी दूर हम इसीलिए आए हैं पानीकोट। वेट करता हूँ, पहले जाएंगे, चलिए अपना चलते हैं। भाई रास्ता तो बहुत ख़राब है यार। देखिए गाइस, दिस इज पानीकोट। भाई आराम से आइयो थोड़ा सा। दिस इज द रूट। अरे तो ऊपर आने में लगेगी यार। रास्ता इज वेरी पैथेटिक भाई, तो स्कूटी लेके आ गया। अब तो लेके आ गया नीचे तक, वो तू सबसे ऊपर है, तू रहने दे अपनी बाइक ऊपर रहने दे, एक काम कर। वही तो भाई, अपनी स्कूटी चेक करता हुआ। ओ माय गॉड, सी गाइस दिस इज पानीकोट। जिधर हम आए हैं बहुत ही मस्त जगह है, मतलब पानी इतना साफ़ नहीं है, गंदा पानी है, बट एनी वेज दिस प्लेस इज़ गुड फॉर संडे राइड।
अमेजिंग। अरे ब्रो कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। भाई यहाँ आए पहले? कैसा है? एग्जैक्टली नेम नहीं पता था मेरे को, बताया था ना। साइकिल भाई स्कूटी पे आए थे? बुलेट। भाई साहब नीचे तो लेके आए थे? हाँ, अंदर तो गए थे। भाई साहब रास्ता तो बड़ा बेकार है, लगता भी नहीं बाइक का रास्ता है। जिस समय आया था ना, हाँ, उस समय थोड़ा क्लियरेंस थी इसकी। अच्छा अब जाके बुरा हाल हो गया, चल रहे मुझे लग रहा है कहीं चले जा सकता ना जाए कहीं। हाँ कैसा लगा ब्रो? मजा आया? अब ऊपर कैसे चढ़ाएगा? चल जाएगी चल जाएगी, ये तो चढ़ जाएगी। बाइक का थोड़ा दिक्कत है, देखना पड़ेगा बाइक का पीछे से ना सपोर्ट करके। बस चलो चलते हैं यहाँ से। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा आगे जहाँ बाकी राइडर्स भी गए हैं, देख सकते हैं। कहाँ कहाँ तक बाइकर्स पहुँच जाते हैं भाई। तो ये हेलमेट हटाना यार, गुड मॉर्निंग। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो फाइनली पहुंच गए हम पानीकोट फरीदाबाद में। यस अमेजिंग प्लेस। और रास्ता जो था बड़ा खराब था, आपने देखा ही होगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही, लेकिन ये जगह काफ़ी अच्छी है वैसे। फोटोज वोटोज क्लिक करी हमने, रील्स वील्स बनाई जो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिलेगी। और आज हमारे साथ एक और जना है, हमारा फ्रेंड सूरज। हाय सूरज, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मजा आया। बहुत बढ़िया। और ये तो स्कूटी पे आया भाई, ये तो सोचो ऐसे रास्ते। बाइक को भाई, हम बाइक से आए हैं, बंदा स्कूटी से आया भाई, सच में। और ऐसे रोड पे इसको रोडी सैल्यूट। चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। सो गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी देर हो गई यहाँ पर और यहीं पर ही हैं तब से हम। मज़ा आया, सही है एंजॉय करने के लिए आ सकता है बंदा। रास्ता थोड़ा सा खराब है, मतलब बाइक का ही रास्ता है, दो रास्ते हैं यहाँ से। अब देखते हैं दूसरा रास्ता जहाँ से जाएंगे वहाँ से अगर सही होगा तो। बस वही है कि अभी जिस रास्ते से आए थे वो तो खराब था, मतलब बाइक से आना थोड़ा सा मतलब रिस्की है, बट अदरवाइज एक और रास्ता है आने से। ओ उधर जा रहा, उधर की साइड से एक रास्ता बाहर निकलने का बताया किसी ने, तो वहीं चलते हैं। बाकी पानी तो इतना साफ़ नहीं है, स्मेल से आ रही है अजीब सी, तो बस यही है।